नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम जैसा चर्चा कर रहे थे कि योग दर्शन के जो सूत्र हैं उनको हम अपने जीवन में व्यावहारिक दृष्टि से किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं, उसके लिए अगला सूत्र है जो महर्षि ने बताया है, वो है वृत्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा। अर्थात जो पिछले वीडियो में हमने वृत्तियों की चर्चा की थी वो कितने प्रकार की होती है, उनके प्रकार बताए हैं कि वो पांच प्रकार की होती है तथा इन पांचों के दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है क्लिष्ट और दूसरा भेद होता है अक्लिष्ट। क्लिष्ट माने ऐसी वृत्तियां जो दुख उत्पन्न करती है, जो कष्ट देती है, वो क्या है, क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं। अर्थात जो अविद्या से जनित वृत्तियाँ हैं, जो मनुष्य के अविवेक से उत्पन्न होती है वृत्तियाँ, वो कैसी है, क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं। और दूसरी है अक्लिष्ट वृत्तियाँ, जो सुख देती है, जो आनंद देती है, जो विद्या से जनित है, जो मानव विवेक से उत्पन्न होती है, वो कौन सी वृत्तियाँ हैं, वो है अक्लिष्ट वृत्तियाँ। तो यहाँ क्या बताया है इनके लिए महर्षि ने, उन्होंने कहा है कि पहले जो क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं इनको हटाना होगा, जो दुख प्रदान करती है इन वृत्तियों को हटाना होगा। इन वृत्तियों को किस से हटाएंगे, तो इनको हटाएंगे अक्लिष्ट वृत्तियों से। अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्तियों को हटाना है और फिर धीरे धीरे इन अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करना है, क्योंकि अंतिम यात्रा तो हमें अपने जो सत्य स्वरूप का दर्शन है वहाँ तक हमें जाना है। तो इसके लिए पहले क्लिष्ट वृत्तियों को, फिर इसके बाद अक्लिष्ट वृत्तियों को हटाना है। तो इन क्लिष्ट वृत्तियों को हटाने के लिए क्या करना होगा, अक्लिष्ट वृत्तियों से किस प्रकार से हटाएंगे, तो इसको समझने के लिए हम क्या करें, जिस प्रकार से मानव क्रोध करता है, तो क्रोध क्या है, एक क्लिष्ट वृत्ति उठती है क्रोध की, तो क्रोध में वह कुछ भी गलत कर सकता है, अशुभ कर सकता है, उससे उसको पीड़ा होगी, उसको दुख होगा। इसको किस प्रकार से हम अक्लिष्ट वृत्ति से हटाएं, तो इसके लिए उसको विचार करना होगा कि उसको क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि वह क्रोध नहीं करता तो उसका जो क्रोध करने की वृत्ति है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उस समय वह अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, जो उसके अंदर से, जो उसकी आत्मा उसको कह रही है, शांत भाव से उस समय थोड़ा रुक जाए। किसी भी कार्य को यदि कर रहा है उसको करने से पहले वो रुक जाए तो विचार करेगा, तो उसकी आत्मा उसको सत्य का ही दर्शन कराएगी और उसको सत्य ही बताएगी और उसको शुभ करने के लिए ही प्रेरित करेगी। तो इसलिए अक्लिष्ट वृत्तियों को हम क्लिष्ट से हटा सकते हैं। दूसरा उदाहरण यदि देखें तो यदि झूठ बोलता है व्यक्ति, तो उसके समय क्या बोले, सत्य बोले, क्यों, अब उसको झूठ नहीं बोलना। तो इस प्रकार सत्य जो अक्लिष्ट वृत्ति है उससे क्लिष्ट वृत्ति जो झूठ बोलने की वो हटेगी। और इसी प्रकार जैसे आलस है, तो आलस को त्यागने के लिए उसका विकल्प कौन सा, मेहनत। तो मेहनत क्या है, अक्लिष्ट वृत्ति है, तो मेहनत करने से उसकी जो आलस की वृत्ति है वो हट जाएगी, क्योंकि आलस से क्या होगा, उसको दुख होगा, पीड़ा होगी। कैसे, यदि वो काम नहीं करेगा तो उसको अपने किसी भी कार्य में वो सफल नहीं हो पाएगा। यदि विद्यार्थी काल है उसका तो वो पढ़ेगा नहीं तो उसको सफलता नहीं मिलेगी, और यदि उसको अपना घर चलाना है तो वो कमाई नहीं करेगा तो उसका घर किस प्रकार से चलेगा। तो इस प्रकार से आलस क्या है, एक क्लिष्ट वृत्ति है, दुख प्रदान करने वाली वृत्ति है। तो इसको अक्लिष्ट वृत्ति से किससे हटाना है, मेहनत से। मेहनत करेगा तो उसकी ये वृत्ति स्वतः ही दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से मानव जीवन में सैकड़ों वृत्तियाँ हैं, तो मनुष्य का इतना विवेक है कि वह इन सब में भेद देख ले कि क्या उसको दुख देगा, क्या उसको सुख देगा। तो इस प्रकार से सुख देने वाली जो अक्लिष्ट वृत्तियों से वो दुख देने वाली क्लिष्ट वृत्तियों को हटा सकता है।